चलो ये तो बात अलग है, टॉपिक है। अभी बागेश्वर धाम जैसे अब दुनिया जा रही है वहाँ पे मत्था टेकने के लिए, मनोकामना पूरी, जाओगे आप भी? देखो सर वही है, हम वही है उनका हमारा बोल रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। फिलहाल भाई हम सुबह सुबह पहुंचे थे रेलवे स्टेशन पे, तो हमने दिल्ली जाना था कवरेज के लिए, पठान मूवी आ रही है भाई वहाँ पे कवरेज करने के लिए जाना था, और तुरंत हमें मिल गया। देखो सीमा जी भी यहाँ रेलवे स्टेशन पकड़ी थी, तो ये बातचीत पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं आज, क्या मतलब क्या है, और पूछ लेते हैं पहले क्या कहाँ जा रहे हो आप? दिल्ली जा रहे हैं सर। पहले तो सबसे पहले तो राम राम जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, भाई और बहनों को सबको मेरे हाथ जोड़कर राम राम। अच्छा कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं सर आज। अच्छा बागेश्वर, मैंने सोचा बागेश्वर धाम जा रहे हैं। हाँ वहाँ भी चले जाएंगे। कब जाओगे? बस जब बुलाएंगे तो जब चले जाएंगे। काफी हाईलाइट मुद्दा हो रहा है बागेश्वर धाम का, शास्त्री जी है हमारे, देखे होगा आपने। हाँ। बड़े एक मतलब एक से एक बात सोचने वाली है कि राहुल गांधी इतने दिन से यात्रा कर रहे हैं, इतने हाईलाइट वो नहीं हुए जितने हाईलाइट हुए 2 दिन के अंदर हो गए। बस वही इंद्र शास्त्री जो हिंदुत्व के लिए एक संगठन बना रहे हैं, घर वापसी करवा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले देखा था कि घर वापसी करवाई होना कुछ मुसलमानों की सनातन धर्म में। देखो सबसे पहले तो सर हम है ना किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, किसी के हम भगवान के बनाए हुए इंसान हैं। देखो हमें हमारे लिए है ना सब भगवान एक जैसे हैं, मानो या ना मानो हम, ठीक है। हम जैसे अपने गुरु को मानते हैं, फिर ये नहीं अभी हम किसी के गुरु को या किसी की माता का या किसी भी जो भी किसी को पूज रहे हैं हम उसका अपमान नहीं करते, ठीक है। हम सबका आदर सत्कार करते हैं और कर रहे हैं, वो देख रहे हैं उनको, पर लेकिन कई बातें ना ऐसी होती हैं भाई जैसे जिनमें वजन नहीं होता। क्यों, कौन सी बात? देखिए अब बागेश्वर धाम बहुत जनता जाती है, पब्लिक जाती है, जिनों का विश्वास बना होया भाई जा रहे हैं, कोई नहीं उनकी सोच है, उनके काम अच्छे हो रहे होंगे उनके, उससे तो हमें नहीं लगता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अंधविश्वास फैला रहे हैं। हाँ। कुछ लोगों ने विरोध किया उनका, क्या मानते हैं कि ऐसे अंधविश्वास है ये चीजें? पता क्या, जो मैंने देखा था जो लिख के बताते हैं वो, तो वो उसमें थोड़ा सा हमें ये लगता है भाई वो लिख के बताते हैं तो वो बिना लिखे भी बता देते, अगर ऐसी इतनी शक्ति है उनमें तो वो बिना लिखे भी बता दे। लिख के तो मैं तुरंत ही लिखा है ना, कौन सा घर से लिख लिया? तो वो तो पता क्या आपको मैं बताती हूँ, गेट पे एंट्री होती है ना, इनके ना कॉन्टैक्ट होते हैं जितना भी बड़ा, जहाँ तक भी है ना जनता बैठती है ना, और गेट पे सबसे पहले गेट पे है ना कैमरे लगे हुए होते हैं, उनकी एंट्री होती है, उनको पता पूछा जाता है अभी कहाँ से आए हो और कहाँ कौन से गांव से आए हो और क्या नाम है क्या पता है, तो वो सारा नोट कर लेते हैं। इतने लोगों में इतने लोगों को मतलब एड्रेस जानना, इतना लोगों को दिमाग में बिठा के रखना, और इसने क्या पता कि उस बंदे को बुलाना, तो ऐसे कैसे संभव होगा? इतने लोगों में, लाखों लोगों में, 400,000 लोग थे वहाँ नागपुर में। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, अब कहीं आप दूना लगा कर बैठ जाओ, अब आप मैं आऊँगी, मेरा नाम पता सब पूछेंगे, आपके चेले जो आपके आसपास में रहेंगे। तो एक वीडियो देखी थी मैंने, तो एक लड़की ने ना, छोटी सी लड़की थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, यही सी 13-14 साल की थी, उन्होंने उसको सवाल किया भाई बाबा आप है ना एक बात बताओ, श्री राम जी और रावण जी दोनों उसके भगत थे भोलेनाथ जी के, उनमें इतना आपस में क्यों विरोध था? उन्होंने जवाब नहीं दिया, और जवाब तो आम जनता भी दे देती है भाई। आप दे दो इस चीज का जवाब। हर सवाल का देती हूं, मैं देती हर साल हर सवाल का जवाब थोड़ी होता है। हाँ होता क्यों नहीं, जवाब भी न बात नहीं होती, ये तो किसी जनता तो पूछ लो। चल पहले इस सवाल का जवाब दो, जब दोनों शिव जी के भगत थे राम जी भी और रावण जी भी, तो उनमें आपसी भाईचारा क्यों नहीं था, मतलब आपसी दोस्ती क्यों नहीं थी, इतनी दुश्मनी क्यों थी? मैं बताती हूँ, मैं देती हूँ इस बात का जवाब। एक इंसान एक अपनी भावना से जा रहा गुरु जी के दरबार में या किसी भी माता के दरबार में, एक जा रहा वहाँ वो करने के लिए भैया मैं जनता देखूंगा जनता क्या कर रही है, कौन सी बात पे विश्वास है कौन सी पे नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, श्री राम जी थे अपने नेम टेम पे, और रावण जैसी शक्ति भी हम ये कहते हैं भाई हमने तो देखो वही बात है, हम तो जब पैदा भी नहीं हुए थे हम तो सुनते आ रहे हैं, रावण भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी,
अपने आप में बहुत वो था। तो उन्होंने जब सीता जी का स्वयंवर रचा गया था तो राम और रावण दोनों गए थे, तो राम जी को जब राम जी के साथ उन्होंने स्वयंवर रचा था तो उनके है ना लंका से है ना उनके पास है ना कोई अक्षवाणी आई थी, भाई रावण को तुरंत वहाँ बुला लिया। तो रावण जी का कहना था भी सीता को मैं एक बार लंका जरूर दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा बस उनका लंका दिखाने का तरीका गलत था। वैसे तो रावण जी उनको निमंत्रण भी दे देते, खाने पर बुला लेते, वैसे भी तो बुला लिया। अच्छा चलो, आपने इस बात का जवाब दिया है तो कमेंट बॉक्स में दर्शक बताएंगे इस जवाब का। लेकिन हाल ही में हम बात करेंगे, फिर दोबारा से अपने पॉइंट पे आते हैं। बागेश्वर धाम जो हिंदुत्व को यानी कि सनातन को एक करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप सहमत नहीं हो कि भाई जो हिंदुत्व को जोड़ने की बात कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है, कोई तो आया हमें एक करने के लिए और हमारे देश में जो ये आग फाल रही है इसको बजाने के लिए। हम तो चाहते हैं हमारे युवा आओ, हमारे लेड जितनी भी युवा लेडीज हैं, जितने भी जिसके भी अच्छे काम करो, अच्छे काम अच्छे होते हैं, इसमें क्या बुराई है? आपने मतलब इसमें तो हम उनके साथ हैं। उस मतलब विरोध में क्यों आप मतलब थोड़ा सा आपने ऐसा क्यों लगा कि हाँ चलो वो ठीक नहीं है? विरोध तो नहीं कहेंगे हम, विरोध शब्द गलत हो जाएगा, तो मतलब उनके इस चीज़ से आप मतलब ये नहीं है कि हाँ ये ठीक नहीं करे, वो क्या नहीं ठीक करे? पता क्या, मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो हमने किसी का विरोध नहीं किया और ना ही हम करते हैं। भाई जिसकी जैसी हाँ एक काम करेंगे, जो गलत करेगा हमारे देश में हम उस पर आवाज उठाएंगे। कोई भी करके देख लो, अब ये लेडीज कर रही हैं, लेडीज पर हम आवाज उठा रहे हैं। एक मैं लेडीज होकर लेडीज पर आवाज उठा रही हूँ, ये भाग रही है बच्चों को छोड़ छोड़ के, मेरी वीडियो देख लो। हाँ चलो, तो अभी देखते हैं कहाँ पे। अच्छा वहीं पे जा रहे हो अभी? हाँ, एक यहाँ का नरेले का मुद्दा, वो अपने बच्चों को छोड़ के 2.5 साल की गुड़िया वो किसी दूसरे के साथ उन्होंने शादी करवा ली और उसी। चलो अब एक बात बताओ मेरे, तो चलो ये तो बात अलग है, टॉपिक है। अभी बागेश्वर धाम जैसे अब दुनिया जा रही है वहाँ पे मत्था टेकने के लिए, मनोकामना पूरी, जाओगे आप भी? देखो सर, वही है उनका हमारा बोल रहे हैं, हम इन बातों पर विश्वास नहीं रखते। चलो भाई, देखते हैं अभी जो मुद्दा चल रहा है फिलहाल। और रेलवे स्टेशन पे इस वक्त मौजूद थे, हमें मिल गए थे क्योंकि ये काफ़ी वायरल चल रहा है और बातचीत करी। समालखा पानीपत रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और मुद्दा चल रहा है, हम भी इस चीज़ पे कवर करेंगे। और पठान मूवी आज कितनी तारीख होगी? 24 तारीख। कल पठान मूवी आ रही है, उसका भी रिव्यू लेंगे, जिसका काफ़ी देश में विरोध हो रहा है। और कुछ भाई भी इस तरफ खड़े, कुछ बताओगे भाई? ये खड़े हैं यहाँ पे, इससे एक बार पूछ लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है? आपने बागेश्वर धाम जी अभी जो ट्रेंडिंग? नहीं जी, मैं आपने पता है भाई? नहीं पता। अच्छा पता है आपको? कुछ चलो भाई, इनको नहीं पता है उस चीज का। पता तो है सारा है ना, पर लेकिन है ना कोई पता क्या है, गणे भाई ऐसे हो हैं, गणी बहन ऐसी हो हैं, उनका हमरा नहीं बोल सकते। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं, वैसे है ना बोलना चाहिए। जो गलत है गलत के ऊपर बोलने के वो कोई विरोध थोड़ा ना होता है, गलत को रोकने के लिए कोई अच्छी बात है। हम गलत काम हो रहा है हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हम विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे, डटका करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? चलो भाई, देखते हैं जी आप अपनी राय। फिलहाल हम दिल्ली पहुंचेंगे और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हमसे बातचीत करेंगे अभी जो इस मामले को लेकर के काफ़ी हाईलाइट है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देगा। और ये वीडियो पहली वीडियो थी इस चीज़ के ऊपर के, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से उन गुरुओं से मिलवाएंगे आपको, जो धार्मिक गुरु है, जो हिंदू धर्म के धार्मिक गुरु है, जो धूना लगाते हैं, जो सनातन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जो इस चीज़ में भाई देखो, ये जो जादू है या फिर किसी को बिना मतलब ऐसी त्रिकालदर्शी बोलते हैं जिसको कि भाई इनका मैं अगर भविष्य बताना चाहूँ लिख के बता दूँ, वो तो उसके बारे में सच्चाई थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।